आज का आंदोलन होता है 15 नवंबर 2004 को, अलग झारखंड बनता है, इतिहास हमको बनाएगा, संविधान हमको बनाएगा, पेपर लिख कर रहा है, यहाँ खींच के निकालिए पहले सुधीर गुप्ता जो सचिव है और परीक्षा नियंत्रक जो अरविंद सिन्हा है, ये लोग प्रतिनिधि अरविंद कुमार लाल का अपना खून का भाई रांची में कोचिंग चलता है, उसका जेएसएससी का तैयारी करता है, एक भाई नियुक्ति संस्था पर जो है कि संवैधानिक पद पर रहेगा और एक भाई का जेएसएससी का चेयरमैन रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तक सुधीर गुप्ता जी यही प्राइवेट कोचिंग पर एक महीना पहले 7वीं 10वीं जेपीएससी पर इंटरव्यू मॉक टेस्ट लेता है, उस कोचिंग पर जेएसएससी का तैयारी भी किया जाता है, इतना महत्वपूर्ण पद में रहते हुए अपना काम को छोड़ करके प्राइवेट नेपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से चलकर जो है अल्बर्ट के पीछे चला, अगला कदम क्या है, कैसे होगा, जैसे सीसी कैमरा, लाखों अभ्यर्थी जो है आप लोग पर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं दादा जी। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट का चौक तक हम लोग मशाल जुलूस निकालते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और जेएसएससी चेयरमैन प्रशांत जी का हम लोग पुतला दहन किए हैं, और आज पूरे झारखंड प्रदेश के 2400 जिले में बहुत विशाल मशाल जुलूस निकाला गया है, पूरे झारखंड आज मशाल ही मशाल पूरा धुआं धुआं हो गया, इसीलिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो झारखंड के सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है वो आज नियुक्ति संस्था न रह करके आज वो सीट बेचने वाला दुकान बन गया है, इसीलिए आज जेएसएससी का संपूर्ण कचरा की सफाई को जो भ्रष्टाचारियों की अड्डा है उसको जड़ तक उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम लोग विशाल मशाल जुलूस निकाले हैं। कल हम लोग एक्स पर महा डिजिटली अभियान चला रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिसका हैशटैग #cancel _CGL सब स्मॉल लेटर में है। परसों 2400 जिला मुख्यालय में उपायुक्त के द्वारा हजारों हजार की संख्या में छात्र हस्ताक्षर करते हुए मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय जी को और जेएसएससी चेयरमैन साहब को लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, और हम बता देना चाहते हैं कि आज इस मशाल जुलूस के तहत कि ये जो छात्र देख रहे हैं जिसके हाथों में आज मशाल है, ये तमाम छात्र पिछले 10 सालों से अपने हाथ में कलम रखा था, अपने हाथ में किताब कॉपी रखा था कि हम जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम आएगा और हम उसको पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपना सपना को साकार करेंगे, लेकिन देखिए 10 साल हो गया, किसी छात्र का आंख से रोशनी चला गया, किसी छात्र का बाल झड़ गया, पेट निकल गया, शादी नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है, लेकिन आज पहले छात्रों को समझाइए, रोड जाम हो गया, वो समझाएंगे, देखिए छात्र आक्रोशित है, चक्का जाम, झारखंड बंद, हुड़का जाम भी होगा, बात को समझिए, सब आम आदमी हम लोग है, हम लोग कोई वीआईपी घर से आने वाले नहीं है, जा करके पूछिए कि 10 सालों से तक जो तैयारी करने वाले छात्र का मेहनत को पानी में फेर दिया गया है और आज पेपर लीक किया गया है, 72 क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 41 क्वेश्चन रिपीट होता है हरियाणा में, पेपर रद्द होता है, आज यहाँ 72 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अगर ये सरकार फिर भी सबूत पे सबूत मांग रही है, हम इसको कहना चाहते हैं, इसका रिजल्ट में जिसका पेपर 3 में 120 नंबर से ज्यादा है, हम अब इनको लीक करके पूरा वादा गारंटी के साथ कहते हैं, उसका मूवमेंट को चेक किया जाए, उसका नंबर को ट्रेस किया जाए, हर हाल में हम कहेंगे कि वो सारे 120 नंबर से ज्यादा लाने वाले सभी छात्र एक ही कमरा में मिलेंगे और 100% पेपर लीक हुआ है, ये छात्र का यहाँ भविष्य बेचा जा रहा है, नौकरी बर्बाद हो जा रहा है और आपको सड़क जाम से दर्द हो रहा है, मुख्यमंत्री का हुड़का जाम कर देंगे, अरे संविधान को हम जानते हैं, बिरसा मुंडा बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़े हैं, सुनील महतो निर्मल महतो को, वीर बुद्ध भगत को हमने पढ़ा है, यही पढ़े हैं कि ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है, हक अधिकार के लिए त्याग किया है, कुर्बानी दिया है ये धरती, ये धरती में यही धरती 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, परिणाम स्वरूप व्हील क्रिएशन रूल बना था, आंदोलन सफल हुआ था, 1854-55 में व्हील विद्रोह हुआ था, आंदोलन सफल हुआ था, एसपीटी एक्ट हुआ, लाख कानून बना था, 1895 में जब बिरसा मुंडा का उल्लंघन हुआ था, आंदोलन सफल हुआ था, यहाँ पर जो है कि सीएनटी एक्ट कानून बना था, इस धरती पर जो है कि अलग राज्य का आंदोलन होता है, 15 नवंबर 2004 को अलग झारखंड बनता है, इतिहास हमको बनाएगा, संविधान हमको बनाएगा, पेपर लीक कर रहा है, यहाँ खींच के निकालिए पहले सुधीर गुप्ता जो सचिव है और परीक्षा नियंत्रक जो अरविंद सिन्हा है, ये लोग प्रतिनिधि अरविंद कुमार लाल का अपना खून का भाई रांची में कोचिंग चलता है,
उसका जेएसएससी का तैयारी करता है, एक भाई नियुक्ति संस्था पर जो है संवैधानिक पद पर रहेगा और एक भाई का जेएसएससी का चेयरमैन रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका सुधीर गुप्ता जी यही प्राइवेट कोचिंग पर एक महीना पहले सातवीं दसवीं जेपीएससी पर इंटरव्यू मॉक टेस्ट लेता है, उस कोचिंग पर जेएसएससी का तैयारी भी किया जाता है, इतना महत्वपूर्ण पद में रहते हुए अपना काम को छोड़ करके ये लोग प्राइवेट बिजनेस बना रहे हैं, और ये लोग जो जेएसएससी का तैयारी होता है वहाँ जाकर ट्यूशन पढ़ाता है और जहाँ जेएसएससी नियुक्ति देता है उस संस्था में महत्वपूर्ण पद में रहता है। हिंच के निकाला जाए सुधीर गुप्ता जी को और अरविंद कुमार सिन्हा जी को, नहीं तो हिट से हिट बजा देंगे हम लोग। दादा क्या आपको लगता है कि ये संवैधानिक रास्ता जो आपने अपनाया है उससे सरकार जो है सरकार के कानों तक या सदन के अरे ये कौन संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं? कौन संविधान कहता है कि यहाँ 72 क्वेश्चन रिपीट होगा? कौन संविधान कहता है कि यहाँ पेपर लीक किया जाएगा? कौन संविधान कहता है कि ये 10 सालों से परीक्षा नहीं होगा? 6 चेयरमैन बदल गए, 6 राज्यपाल बदल गए, 4 मुख्यमंत्री बदल गए, एक परीक्षा नहीं हुआ है। कौन संविधान कहता है? संविधान का पाठ पढ़ करके हम लोग परीक्षा देने जाते हैं। संविधान का छात्र मजबूर है आज, ये अगर देख बात सुन ली है सरकार, जिसके हाथों पे आज मसाल है, ये सभी छात्र दीपक के रूप है, ये सभी छात्र दीपक के रूप में रह करके वहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम छात्र जो है सो सड़क पर है और सड़क जो है सो पूरी तरह से जाम कर दिए है चक्का। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं एक तरफ गाड़ी इधर रुकी हुई है, गाड़ी पूरी तरह से एकदम जाम में है। ये छात्रों का आक्रोश देख पा रहे हैं, राजधानी रांची का हालत है।